वसई सत्ता हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। आज खबरें हम विस्तार से लेंगे, लेकिन खबरें शुरू करने से पहले हम लेते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार ये है, माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं, मगर मुस्कुराते रहने में भी कोई नुकसान नहीं है। तो आज के सुविचार का अर्थ ये है कि कोई भी संकट की स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, हमें मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की हाईलाइट से। हाईलाइट ये है, वसई विरार मैराथन में आर्मी के मोहित राठौर रहे अव्वल। राष्ट्रवादी कांग्रेस वसई विरार जिला ने फुटबॉल मैच को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल मैच रखा, जिसमें जश यूनाइटेड रही अव्वल। 19 दिसंबर को नाला सुबारा में बहुभाषी कवि सम्मेलन। सलमान की दबंग आई संकट में। वसई पश्चिम का एक्सीडेंट, कार बाइक एक्सीडेंट हुआ वायरल। अंत में मुकेश खन्ना का शक्तिमान अब एनिमेशन के रूप में आपके सामने होगा जल्द। अब खबरें विस्तार से। वसई विरार मैराथन में लगभग 18,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। इस मैराथन में आर्मी के मोहित राठौर अव्वल रहे। वहीं महिलाओं में हाफ मैराथन में किरण सहदेव, जो कि रेलवे से हैं, वो अव्वल रही। इस मैराथन में लगभग 18,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। मैराथन में एक प्रतियोगी जोकर बनकर घूमता रहा, जिसके साथ लोग सेल्फी खिंचाते नहीं थकते थे। मैराथन में पत्रकारों का अपमान भी हुआ, जो मैराथन पर काले टीके की तरह दिखाई दिया। फुटबॉल मैच को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यहां पर रखा एक मैच, जिस मैच में जश यूनाइटेड 5 गोल कर सामने वाली टीम को हरा पाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आनंद भाई ठाकुर उपस्थित हुए। यहां जिला अध्यक्ष राजाराम मौलिक ने सभी पदाधिकारियों व सहयोगियों तथा फुटबॉल प्रेमियों का आभार प्रकट किया। नाला सुबारा में एक भव्य कवि सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें आप भी भाग ले सकते हैं। ये बहुभाषी कवि सम्मेलन नाला सुपारा पश्चिम में होने जा रहा है। इसकी जानकारी स्वर्गीय राजीव गांधी स्कूल के सचिव रमाकांत वागचोड़े ने दी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सलमान भाई की दबंग 3 आ गई है संकट में। जो कि 20 तारीख को 20 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन हो सकता है इसकी रिलीज टल भी सकती है, क्योंकि हिंदू जन जागृति समिति ने उठा लिया है ऑब्जेक्शन। फिल्म में एक सीन, एक ट्रेलर में, एक गाने में साधु संतों का कुछ अपमान किया गया है, कुछ उपवास किया गया है, इस वजह से ये उनका विरोध है। उन्होंने सेंसर बोर्ड से अपील की है कि इस फिल्म से इस तरह के सीन हटाए जाएं, तभी इस फिल्म को रिलीज किया जाए। हो सकता है ये फिल्म 20 तारीख से आगे चली जाए या सलमान भाई इन दृश्यों को हटाए। अगली खबर है शक्तिमान की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी शक्तिमान की, जिसने 97 में तहलका मचा दिया था। बच्चों का ये प्रिय सीरियल बन गया था। वही सीरियल अब एक बार फिर लेकर आ रहे हैं मुकेश खन्ना एनिमेटेड रूप में। कल उसी का पोस्टर लॉन्च हुआ। इसी के साथ हमारी आज की खबरें खत्म होती हैं। आपको हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।